सोमवार को सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन व मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना नैनी पुलिस टीम ने पुराना यमुना पुल के नीचे से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कुल 21 मोटरसाइकिल बरामद किया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हमारे गैंग का सरगना प्रियम है। ये लोग मिलकर पिछले कुछ समय से भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों, शादी घर, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड के आसपास से मोटरसाइकिलों की चोरी करते थे और ग्राइंडर से उनके चेसिस नंबर मिटाकर गाड़ियों के पुर्जों में हेर फेर कर उनकी हुलिया बदल देते थे। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ियों को दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बेचकर धनार्जन करते थे। इस कार्य से प्राप्त होने वाले पैसों को आपस में बांट लेते थे। मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों में प्रियम उर्फ रचित, राजू हरिजन, राजकुमार उर्फ रिंचू, अरबाज, मलखान सिंह, कैफ उर्फ छोटू एवं संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मौके से चोरी की 7 मोटरसाइकिल व इनकी निशानदेही पर पुराने यमुना पुल के नीचे झाड़ियों के पास छिपाकर रखी गई चोरी की 13 अन्य मोटरसाइकिल व एक कटी हुई मोटरसाइकिल, कुल 21 मोटरसाइकिल बरामद की गई। ये थाना नैनी में एक बाइक चोरी की गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा जो बाइक चोरी की गई है उनमें 20 पूरी बाइक और एक आधी कटी हुई बाइक बरामद की गई है। ये शहर के विभिन्न थानों तथा नैनी थानों से बाइक की चोरी के जो बाइक हैं वो विभिन्न मुकदमों से कनेक्ट हुई हैं और ये 19-20 की 21-22 की रेंज वाले सभी साल के रेंज वाले सभी लड़के हैं और इनके द्वारा पहले कोई इस तरह का आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। बाकी और विभिन्न थानों में पता किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जिसमें पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से पूरी टीम के लिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया। ये बाइक जो चोरी करते थे कहाँ बेचते थे, किस तरह से करते थे, क्या शौक नायल हुआ है, क्या अपने शौक को पूरा करने के लिए? हाँ, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 5वीं-6वीं तक मैक्सिन में पढ़ाई की हुई है। ये बाइक चोरी करके उसका नंबर प्लेट वगैरह हुलिया चेंज करने के बाद दूर दराज के गांव वाले इलाकों में 4,000-5,000 रुपये में बेच देते थे, जिसे आपस में ये लोग फिर बाद में बांट लेते थे। चलो गाड़ी फोटो में भेज दो।